वर्षों में अगर इसी हिसाब से इस पौधे को आप सींचेंगे और इसी ताकत से अगर आगे बढ़ेंगे तो 5 की 5 सीटें 5 साल बाद जननायक बनता है। विधानसभा चुनाव के पश्चात आपकी 10 सीटें आई और आज आप राज के सिरे। अमूमन गांव गलियारे में शहर के मुकुट पर हमारे से एक ही बात पूछी जाती है और लगभग कांग्रेस ही ये बात पूछते हैं कि तुम तो बीजेपी का विरोध किया करते, बीजेपी के साथ कैसे चले गए। पूछते हैं कि हम तुम्हारे खिलाफ भी चुनाव लड़े, हम कांग्रेस से कोई मिलकर के नहीं लड़े या कांग्रेस के सहयोग से नहीं लड़े, हम तो अपने दम पे लड़ेंगे। मगर पोस्ट रिजल्ट परिस्थितियां ऐसी बन गई कि हमें एक को चुनना था, 40 वाले को चुनना था या 31 वाले को चुनना था, और 31 वाले की दुकान 31 तक सीमित थी, ये तो आप भी जानते हो। भूपेंद्र हुड्डा 4-5 दिन बहुत बड़ी बड़ी बातें करते रहे मगर जेब में कुछ नहीं था, पीछे वाले भी छोड़ के जाने को तैयार थे। और असलियत ये थी कि हरियाणा के लोग मजबूत सरकार देखना चाहते थे। 13 लाख से ज्यादा रोजगार जो है वो आने वाले 5 साल में हरियाणा के नौजवानों को मिलेगा, 75%। यानी मेरे जिला सिरसा के जो नौजवान, मेरे जिला सिरसा के जो आज लाखों नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, मैं कहता हूं आपसे थोड़ी सी पेशेंस रखें। ये जिम्मेवारी हमारी है कि 5वें साल में इस जिले में बेरोजगारों की फौज को रोजगारों की भीड़ में, रोजगार की भीड़ में खड़ा करने का काम दुष्यंत करेगा। ये में जब संत गुरु रविदास जी का मंदिर ढहाया गया तो हमने ये वादा किया कि हम हरियाणा के कुरुक्षेत्र में संत गुरु रविदास जी का एक भव्य मंदिर बनाने का काम करें। और पिछले दिनों हरियाणा की सरकार ने इसकी अनाउंसमेंट कर दी कि आने वाले समय में 5 एकड़ से ज्यादा जमीन अलॉट कर करके एक ऐतिहासिक संत गुरु रविदास जी का मंदिर बनाने का। दुष्यंत ने कहा जो मैं बदलाव कर रहा हूं वो हरियाणा की जनता के लिए, और हरियाणा के लोगों को पता होना चाहिए कि बदलाव क्या है। ये हमें कह रहे हैं कि घर घर तुमने ठेके खोल दिए, ऐसा नहीं है कि हमने कोई घर घर ठेके खोलने की इजाजत दी। इससे पहले कोई ऐसा कानून नहीं था, अगर घर में कोई शराब रखता था तो उसको कोई लाइसेंस की जरूरत होती थी। भूपेंद्र हुड्डा ने एक कानून बनाया और उसके अंदर सिर्फ 200 रुपए का परमिट दिया और 200 रुपए के परमिट पर अगर परमिट ना होने की सिचुएशन में छापा पड़ जाए तो हाथों हाथ फेल हो जाया करती थी। दुष्यंत ने क्या तब्दीली की मैं आपको समझा रहा हूं, क्योंकि आपने गांव में जाके, शहर में जाके, अपने जिले में इसका बखान करना है। ये जिस पे हमें विरोध कर रहे हैं मैं उसको बता रहा हूं, दुष्यंत ने 200 रुपए को बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिया और अब अगले विधानसभा सत्र से पहले कानून बनाएंगे कि अगर अवैध शराब यानी बिना परमिट की शराब किसी के घर में मिली तो उसको 6 महीने तक की सजा और 3 महीने तक बिना जमानत उसको अंदर रहना पड़ेगा।